वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एहोलिक चैनल। तो आज हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड मास्टर बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको टाइटल से कुछ पता चला होगा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले। तो जो केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और पहली बात तो 11th स्टैंडर्ड पूरा बेसिक है केमिस्ट्री का, 12th में आपका एडवांस होगा। अगर 11th का आपका बेसिक आपका क्लियर नहीं, अगर 11th आप पढ़े नहीं हो तो 12th आप कर नहीं पाओगे। इसके लिए पूरा 11th अच्छे से आप लोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी आगे टेस्ट के वीडियोस मिलेंगे, वो भी अच्छे एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा दिया आपको, आप पहले ही पढ़ चुके, आपको थोड़ा ईजी लगेगा ये चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है, मैटर के बारे में स्टडी करना है, और उसके मैटर के बारे में स्टडी करना, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, और उसके चेंजेस को जो डिफरेंट कंडीशन में होते हैं, वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज डिफरेंट कंडीशन। तो मैटर के जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके चेंजेस हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट कंडीशन में होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो आगे चलो बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? पहली बात, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह यूज़ होता है। केमिस्ट्री बायो में भी होता है और मैथ भी होता है। आप देखे होंगे कि केमिस्ट्री आपको अगर नीट एग्ज़ाम देने वाले, तो नीट में भी बायो यूज़ हो, नीट में भी केमिस्ट्री ले रहे हैं। और वहीं पर आपको अगर जेई दे रहे हो तो जेई में भी केमिस्ट्री, और वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सेंट्रल है, पर केमिस्ट्री यहाँ पर सेंट्रल लिखा है। केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस, इट्स नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस एंड अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। तो केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है जो हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि फिजिक्स में यूज़ होता है, बायोलॉजी में यूज़ होता है, अप्लाइड साइंस में होता है, और तो स्पेस साइंस में यूज़ होता है। और केमिस्ट्री का जो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, उसको एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हर जगह यूज़ होना होता है। जैसे कि जो हम हवा ब्रीद करते हैं या कोई भी फूड खाते हैं, वो उन्हें केमिस्ट्री का है। हर जगह एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। हर जो हम पानी ड्रिंक करते हैं, H2O, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज, ये भी केमिस्ट्री में आता है। तो यानी कि केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है जो हर जगह यूज़ होता है, और साथ में ये केमिस्ट्री एक एंशिएंट साइंस है, पर धीरे धीरे डेवलप और एडवांस होने की वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री एक मॉडर्न साइंस में डेवलप हो गया है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होते गया और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनते गए केमिस्ट्री के जरिए, बाकी साइंस के जरिए मेडिसिन होने लगे, अप्लाइड साइंस होने लगे। अप्लाइड साइंस में जैसे डेंटिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर, डेली होम यूज प्रोडक्ट में हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। होम यूज प्रोडक्ट में जैसे कि हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं, हम आपको योगर्ट, योगर्ट क्या है? दही। दही क्या है? लैक्टिक एसिड उसमें होते हैं। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इंजीनियरिंग में भी कई टाइप के जैसे कॉन्क्रीट या सब कुछ भी रहता है, उनको मिक्स करने पर क्या बनता है? कंक्रीट किस टाइप से बनाते हैं? तो कंक्रीट में सैंड, सीमेंट, वाटर यूज़ होता है। डेंटिस्ट्री है तो वहाँ पे दांत, आपको आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है या दांत में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो वो भी आपका अप्लाइड साइंस में आता है। तो मेडिसिन किससे बनती है? केमिस्ट्री के जो हम केमिकल फॉर्मूला की मदद से हम मेडिसिन बनाते हैं। तो इसके लिए केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस। आपको अच्छे से समझ गए, पूरा बेसिक ही था, पूरा केमिस्ट्री के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन था, पूरा अच्छे से आपको दिया था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके चेंजेस के बारे में जो डिफरेंट कंडीशन में होते हैं, अच्छे से समझा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन है केमिस्ट्री के नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम। नेचर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज़ ट्रेडिशनली क्लासिफाइड फर्दर इंटू 5 ब्रांचेस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो एंड एनालिटिकल। केमिस्ट्री के पास 5 ब्रांचेस से क्लासिफाई होता है। कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, बायो है, एनालिटिकल है। तो सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, किसके बारे में स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो जो कंपाउंड ऑफ कार्बन, उसके प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। वहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका अपोजिट है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी जितनी भी सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के प्रॉपर्टी और रिएक्शन को छोड़ के जितने भी सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना होता है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डील किया जाता है स्टडीज से, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टडीज, एनर्जी, डायनेमिक थियरी, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। और जो बायोलॉजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक फ्रेमवर्क करते हैं। तो आपको अच्छे समझ गया कि नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं जो मेन है हमारा। वी हैव लर्न अर्लियर दैट मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि मैटर क्या है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर क्या करता है, एक कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है तो मैटर इसको कहते हैं। तो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास कुछ मास होता है। जैसे ये बुक है तो ये एक तरह का मैटर है, ये इतना स्पेस लिया है और इसका कुछ मास होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का मैटर है। तो मैटर हर चीज़ होते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड टू प्योर एंड मिक्सचर। तो मैटर दो टाइप में क्लासीफाई होता है, एक प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर में। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है उसके पहले बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, उसके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और उसका जो प्रॉपर्टी होता है सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता उसके ओरिजिन से, रिगार्डलेस होता है। और वहीं पर मिक्सचर क्या है, उसके पास ना कोई बराबर केमिकल कंपोजिशन होता है, डेफिनेट नहीं होता, और साथ में उसका कोई प्रॉपर्टी डेफिनेट नहीं होता। यहाँ पढ़ सकते हैं, मिक्सचर हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हैंस नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। जब केमिकल कंपोजिशन कोई डेफिनेट बराबर नहीं है तो कहाँ से उसका कोई बराबर प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्योर सब्सटेंस के, जैसे प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर और कई टाइप के होते हैं। और यहाँ मिक्सचर्स के भी दिए, मेंट, मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, पिगमेंट, एडिटिव। ऑयल मिक्स करते हैं, पिगमेंट है, एडिटिव है, पेंट में यूज़ होता है, आपको पता ही है। कंक्रीट, जहाँ पे सैंड, सीमेंट और वाटर जब मिक्स करते हैं तो कंक्रीट बनता है। तो यहाँ पे मिक्सचर हुआ है, तो आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बहुत फर्क पता मालूम पड़ गया। अगर प्योर मेटल की एकदम प्योर रहता है एक मेटल, तो आपको अच्छे से समझा होगा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हम आगे और अभी पढ़ने वाले, तो उसके भी दो डिफरेंस है, तो यहाँ पे दो टेबल दिया है। तो प्योर सब्सटेंस के पहले हम पढ़ेंगे, तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के, कि एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इंटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड ये दो प्योर सब्सटेंस के डिवीजन है, यानी कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप के, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट के बहुत अच्छे से दिया है, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो ब्रोक नहीं हो सकता सिंपलर सब्सटेंस में, कोई भी सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रोक नहीं हो सकता किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से। तो आपको एलिमेंट पता ही होगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, वहाँ पर हैलोजन ग्रुप, मेटल ग्रुप, मेटलॉइड, आपको पता ही पूरा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आपको अच्छे से पता है। तो वो वहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में ही दिया है। तो यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, थ्री में डिफरेंस हुआ है एलिमेंट का। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो आपको समझा, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये थ्री टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के, आपको पता है। तो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने पहले बैग्स में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले दिया है, मेटल हैव अ लस्टर और साइनी अपीयरेंस, यानी कि लस्टर मतलब क्या होता है, साइन होता है, मेटल साइन करता है। वहीं पर उसका अपोजिट नॉन मेटल है, वो साइन नहीं करता, पर उसके कुछ एलिमेंट्स जो साइन करते हैं
जैसे डायमंड और आयोडीन, वो साइन करते हैं, और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल के वो साइन नहीं करते। वहीं मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर है। वहीं पर उसका पहुंचे नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्राफाइट को छोड़ के उसमें कुछ, मैं बताया ना कुछ प्रॉपर्टीज उसके अलग रहते हैं। ग्राफाइट नॉन मेटल होकर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हीट भी है। मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट, मेटल मैलिएबल है, वो थिन सीट में हो सकता है, यानी कि उसको पतला करके तुम हैमर्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट, यानी कि थिन सीट में हो सकता है, यहीं पे नॉन मेटल नहीं हो सकता, थिन सीट में नहीं हो सकता। वहीं स्टूडेंट्स मेटल डक्टाइल होता है, डक्टाइल यानी कि वो वायर में एकदम पतले से वायर में बना सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और वही नॉन मेटल वायर में ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल पता है ना, एकदम सॉफ्ट नहीं होते, वो हार्ड टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जो मेटल्स में आते हैं, तो आपको आपको अच्छे प्रॉपर्टी अच्छे से समझ गया होगा। मेटल है फॉर लस्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल होता है, यानी कि आराम से उसके हीट हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा है, और उसको एक थिन एक वायर में एकदम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डक्टाइल, यानी कि उसको पतला कर सकते हैं, उसको हैमर करके यानी कि एकदम फ्लैट कर सकते हैं, मैलिएबल भी है। और उसके एग्जांपल कौन कौन सब्सटेंस मेटल्स में आते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सर लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी आपको पता होगा, आप इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल अगर हुआ तो। रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है। नेक्स्ट है नॉन मेटल, जो नॉन मेटल में क्या है उसका कोई बराबर लस्टर नहीं होता, यानी कि वो साइन नहीं करता, बट कुछ प्रॉपर्टीज साइन करते हैं, जैसे कि डायमंड और आयोडीन नॉन मेटल में होके भी। और मेटल क्या है, गुड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्राफाइट पुअर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बट नॉन मेटल में होके भी। और जो नॉन मेटल है वो हैमर नहीं हो सकता, सीट ड्रॉ नहीं हो सकता, और ना वो वायर में कन्वर्ट हो सकता क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आयोडीन नाइट्रोजन कार्बन और एक्सेट्रा। वहीं पे नॉन मेटल मेटलॉइड क्या है, यहाँ पे इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज मेटलॉइड में होती है, वो एक तरह से नॉन मेटल भी होता है और मेटल भी होता है, उन दोनों के बीच का रहता है ये, ना वो मेटल में आता है नॉन मेटल में आता है, एक तरह से हम कह सकते उसको सेमी मेटल कह सकते हैं और मेटलॉइड भी कह सकते हैं, जो इन दोनों के बीच के रहते हैं, यानी कि ना वो मेटल में है नॉन मेटल में, दोनों का एक जैसा, वो दोनों के प्रॉपर्टी में रहता है। उससे जैसे कि आर्सेनिक है या सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये मेटल नहीं है ना, नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है। तो आपको ये अच्छे से समझाओ, आप कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो ब्रोक हो सकता है सिंपलर सब्सटेंस में किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से। कंपाउंड में टू या थ्री एलिमेंट कंबाइंड होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, वहीं मिक्सचर में टू और उससे भी ज़्यादा सब्सटेंस उसमें मिक्स होते हैं, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, और वो सेपरेट भी हो सकते हैं फिजिकल मेटर से, और वहीं कंपाउंड में सेपरेट नहीं हो सकते। मिक्सचर आर फर्दर डिवाइडेड इंटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर किस में दो डिवाइड होता है, दो टाइप्स में आपको बताया था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में होते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इस बल्क। तो उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो बराबर मिक्स होते हैं। इन हेट्रोजीनियस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंसिस्टेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क। तो यानी कि जो हेट्रोजीनियस है वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बराबर एकदम बराबर मात्रा में मिक्स होते हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, पर वहीं पर हेट्रोजीनियस है वहाँ पर बराबर यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होता सब्सटेंस। जैसे कि सस्पेंशन ऑफ अ इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड, जो सॉलिड लिक्विड है, तो एक तरह से बताओ कि H2O वाटर है, वो बराबर अमाउंट में है H2O होमोजेनस में आता है, वहीं हेट्रोजेनस वहाँ पे अगर आप मिक्स कर दोगे, वाटर लिए उसमें दूसरा केमिकल मिक्स कर दिए, दोनों अलग अलग हो गए।
तो उसे हम कहते हैं हेटरोजीनियस। तो आपको अच्छे से समझाओगे। तो आज का यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसके आगे की वीडियोस आपको मिल पाए जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।